सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हम लोग इस तरह का रेंडर आउटपुट कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को इस तरह की लाइटिंग करनी है, इंटीरियर लाइटिंग करनी है, तो हम लोग इस तरह की इंटीरियर लाइटिंग कैसे करेंगे और इस तरह का थोड़ा रियलिज्म, इस तरह का सेचुरेशन, इस तरह का कलर बैलेंस कैसे हम लोग लेके आएंगे अपने इमेज के अंदर। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर मैंने लाइटिंग को पूरी पूरी बंद करके रखा हूँ, मैंने डे लाइटिंग को बंद करके रखा हूँ। इधर पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मॉडल्स मैंने इधर पे अप्लाई किए हैं, यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, और ये आप बोल रहे हो कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो ये लाइट है लाइट मटेरियल की, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फिर अभी आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप बोलोगे कि ये मॉडल्स तो है मगर ये मॉडल फिर हम लोग को मिलेगा कहाँ से, अगर हम लोग को लेना है तो। अगर आपको ये पूरा कलेक्शन भी लेना है, अगर ये मॉडल भी लेना है, तो आप इस नंबर पे यहाँ पर कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, और आप वहाँ पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको ये पूरा ये मॉडल लेना है तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पहले तो आपको बता देता हूँ इसमें सेटिंग क्या की गई है। जैसे कि अगर आपको बता दूँ कि अगर इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर सेटिंग क्या है, ये जो लाइट है इधर पे आप लाइट देख सकते हो, जो ये लाइट ऊपर जो झूमर में लगा हुआ है, तो इसको आप देख लो पहले, इसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि अभी पहला जो ये है, जो ये लाइट है, तो इसके लिए हम लोग को जो ये लाइट पहले इस लाइट का मटेरियल क्या दिया हुआ है, इसके लाइट का मटेरियल डाला हुआ है नॉर्मल लाइट मटेरियल, ठीक है, और इधर पे रिफ्लेक्शन किया हुआ है लाइट मटेरियल के ऊपर, थोड़ा सा फॉलो अप दिया हुआ है ताकि जाके थोड़ा रिफ्लेक्टिव हो, ताकि इसके अंदर कोई भी लाइट अगर बीच में आए तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि थोड़ा सा चमक जैसा आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पर। अभी इसके अंदर जो ये लाइट दी है, इसके अंदर स्पेयर लाइट, जो स्पेयर लाइट को अगर आपको बताऊँ तो स्पेयर लाइट सबके सब स्टेंस है, यानी कि सब एक की एक कॉपी है, यानी कि स्टेंस है। तो सब में जो सेटिंग रखी है यहाँ पर आप देख सकते हो, 80 का सेटिंग, यानी कि 80 का मल्टीप्लायर है, और इधर पे इसका जो टेम्परेचर है लगभग 4000 का टेम्परेचर है, इधर कलर टेम्परेचर जो होता है इसका 4000 का है। ठीक है, ये सब में अप्लाई किया गया है। सेम अगर इसके अंदर इस मॉडल का अगर हम लोग देखें, इसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो इसका मल्टीप्लायर इसके अंदर है 300 का, और इसका कलर टेम्परेचर है 3000 का, और नीचे की तरफ से जो ये लाइट जा रही है नीचे की तरफ, इसके अंदर 300 का 30 का मल्टीप्लायर है और 4000 का कलर टेम्परेचर, यानी कि जो ये कलर जो दिख रहा है उसका कलर टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूँ जैसे कि ये इसका भी लाइट मटेरियल है, यानी कि इसके अंदर भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और आपको अगर 3D रेंडर में अगर आपको दिखाऊँ, तो फिर मैं आपको रेंडर में दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये अंदर से एक लाइट जल रही है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक अंदर से एक लाइट जल रही है और ऊपर की तरफ भी एक लाइट जल रही है। तो अभी मैं इसको करता हूँ बंद, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, अभी इसके अंदर देखो मटेरियल, तो मटेरियल अभी हम लोग देखते हैं और यहाँ पर इसका मटेरियल क्या रखा हुआ है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके जो मॉडल के मटेरियल, इसके मॉडल के मटेरियल को भी अगर हम देखें, तो इसके अंदर मॉडल के मटेरियल में कई लोग सोचते हैं कि इसके अंदर टू साइडेड मटेरियल डाला हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि टू साइडेड मटेरियल की जरूरत है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा ट्रांसपेरेंट यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रहता है इसको ग्लास की तरह भी यूज़ करते हैं, टू साइडेड मटेरियल की जरूरत नहीं है। जब अंदर की तरफ जो लाइट डाले हो तो उसकी जगह पे आपको डालना है, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर इधर पे टेक्सचरिंग की गई है, टेक्सचर ये देखिए इस तरह का टेक्सचर डाला हुआ है। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी आप बोलोगे इधर पे सीलिंग की लाइट कैसे बनानी है, देखिए सीलिंग की लाइट अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सीलिंग की लाइट नहीं है। सीलिंग की लाइट बनाने के लिए हम लोग को इसको, इसके अंदर एक मॉडल्स है, अभी यहाँ पर मैं इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको मुझे सीलिंग का लाइट मुझे क्रिएट करना है। इसके अंदर काफ़ी अंदर की तरफ होगा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये रहा। ठीक है, इसको मुझे बनाना है, इसको हम लोग बनाएंगे मैश लाइट। ठीक है, तो मैश लाइट बोले तो वीरे मैश लाइट, यानी कि जिसके जरिए वीरे मैश लाइट भी बना सकते हो या फिर लाइट मटेरियल भी दे सकते हो। और मैं इधर वीरे मैश लाइट की यूज़ कर रहा हूँ। वीरे मैश लाइट में करने से क्या है, उसके अंदर हम लोग अपना जो उसका सब डिविजन है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कितना सब डिविजन रखना है, और काफ़ी सही रहता है उसमें। और मैं इधर पे लेता हूँ
धीरे लाइट में, धीरे मैश, ठीक है, धीरे मैश लिया। अभी यहाँ पर धीरे मैश लेने से क्या होगा, अभी मैं यहाँ पर पहले तो पिक करना होगा जो मेरे को यहाँ पर मैश जिसको बनाना है, ठीक है, जिस मैश को मुझे लाइट बनाना है तो उसको मुझे पिक करना होगा। तो उसको पिक करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हम लोग पिक मैश, पहले तो हमें यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेना होगा अपना, ये हो गया लाइट, ठीक है। अब यहाँ लाइट क्रिएट हो गई, तो अभी आराम से देखो लाइट यहाँ पर क्रिएटेड है, क्लिक किया मैंने, और एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग लाइट में गए, फिर हम लोग गए, फिर गए मैश में, फिर अगर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर हम लोग को देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, पिक करने के लिए नहीं दिखा रहा है। हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर गोला सा बन जाता है, और फिर इसके मॉडिफायर में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग को पिक करने का ऑप्शन मिल गया है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको पिक, ठीक है, ये पिक हो गया। अभी ये लाइट मटेरियल में, यानी कि लाइट मटेरियल में मैश लाइट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको भी मैं दे देता हूँ कलर टेम्परेचर, लगभग इसको दे देता हूँ, लगभग मैं इसको देता हूँ 7000 के आसपास, नहीं 7000 नहीं, 4000 इज बेस्ट, ठीक है। और इधर पे हम लोग देते हैं इसको ज़्यादा नहीं, 4 तक का काफ़ी रहेगा। फिर आगे चलते हैं, फिर अभी आप बोलोगे कि अभी यहाँ पर जो ये लाइट आ रही है, जो इसकी लाइट, ये कौन सी लाइट है जो हम लोग रेंडर में देख रहे थे, यानी कि बाहर से भी एक लाइट आ रही थी यहाँ पर, ये है हम लोग की लाइट मटेरियल, ठीक है। तो अभी आपको दिखा दो, ये देखिए लाइट मटेरियल है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ आपको अच्छे से पता चले। देखिए ये जो मैश है ये पूरा लाइट मटेरियल है, इसके अंदर एक इमेज को अप्लाई किया गया है। यानी कितने लोग सोचते हैं कि इसके अंदर हम लोग SDR यूज़ करते हैं इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर के अंदर SDR यूज़ नहीं होता है, इंटीरियर के अंदर हम लोग इस तरह से प्लेन को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लेन को अप्लाई करके, फिर प्लेन को अप्लाई करके उसके टेक्सचर देखे, फिर उसकी SDR राइट दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से बनाने के बाद फिर इसको प्लेन के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करके फिर इसको हम लोग लाइट मटेरियल डालते हैं, यानी कि इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई किया और उसको लाइट मटेरियल दिया है, देखो यानी टेक्सचर हम लोग दिए इसका जो एनवायरनमेंट का टेक्सचर है, फिर इसके ऊपर लाइट मटेरियल अप्लाई किया। फिर अप्लाई करने के बाद इसके आप देख सकते हो इसके 3 का वैल्यू दिया हुआ है, कम का रखेंगे तो कम इफेक्ट आएगा, थोड़ा लाइट इफेक्ट कम आएगा, जितना वैल्यू बढ़ाएंगे उतना लाइट इफेक्ट ज़्यादा आएगा, इसलिए 3 वैल्यू इसके लिए ओके है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर ही इसको करता बंद, इसके बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी अभी ये बोलोगे कि सिर्फ इसके लाइट तो अभी भी कम आ रही है, लाइट अभी और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग को और भी अच्छा रियल लुक, यानी कि इतना डे लुक है, काफ़ी नाइट लुक जैसा दिख रहा है, यानी कि अंदर की तरफ लाइट बहुत कम आ रही है जो डे में आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, यहाँ पर बनाना पड़ेगा प्लेन लाइट, और थोड़े से देंगे और भी लाइट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लोग करते हैं एक प्लेन लाइट बनाते हैं यहाँ पर, प्लेन लाइट का भी जो हम लोग बना रहे हैं वो प्लेन लाइट को हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्लेन लाइट है ये अपना जो बाहर का एनवायरनमेंट है और ये खिड़की के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये प्लेन लाइट होनी चाहिए इनविजिबल, और इसका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा तो फिर इधर पर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये कांच है तो कांच के ऊपर इफेक्ट करे, तो इसका रिफ्लेक्शन बंद कर लेते हैं। इसकी पावर क्या रखेंगे हम लोग, इसकी पावर रखेंगे 3 रख लेते हैं, ठीक है। और इसको भी करते हैं कलर टेम्परेचर, इसको दे देते हैं लगभग 7000, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग टॉप की तरफ, पीसी का कॉपी लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कॉपी करके, यहाँ पर किया कॉपी, डिस्टेंस ले लेते हैं, इस तरह से कॉपी कर लेते हैं, इसी का एक और डिस्टेंस कॉपी ले लेते हैं, तरह से
ठीक है, तो अभी ये तो आ गया डन। अभी आप बोलोगे ये देखो वॉल भी थोड़ा सा ये ऐसी हो रही है, तो ये वॉल के बारे में यानी कि जो वॉल देखो इनविजिबल भी हो रही है, वॉल इधर पे है भी, तो इसके बारे में इसका एक अलग से वीडियो बनाया हूँ कि इस वॉल को कैसे हम लोग इस तरह से गायब भी करते हैं, यानी वॉल इधर पे है भी और साथ में उसका इफेक्ट भी है और हम लोग को यहाँ पर काम करने में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करा। जैसे हम लोग अंदर भी जाएंगे देखो यहाँ पर अंदर की तरफ वॉल भी हम लोग को नजर आती है। हम लोग इस तरह से इनविजिबल कैसे करते हैं वॉल को, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसका वीडियो के बारे में जो लिंक है मैं इस आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, वो वीडियो का लिंक तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। फिर अभी हम लोग का इतना तो चलो बन गया, तो हम लोग इतना पहले रेंडर करके देखते हैं हम लोग को इफेक्ट क्या आ रहा है, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी रेंडर करके देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर आउटपुट कैसा आ रहा है। और जब तक ये रेंडर हो तब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो एक चीज़ है, इसके अंदर हर चीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फोटोशॉप यूज़ हुआ है। क्यों, किस तरह से फोटोशॉप यूज़, फोटोशॉप जैसा जो इफेक्ट होता है यानी इसके अंदर जो ये एक्सपोजर यूज़ किए गए हैं, एक्सपोजर का मैं बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर, अगर आप पुराना वर्जन का वीडियो यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये सब सेटिंग नहीं मिलेगी, उसके अंदर आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको इस तरह के कर्व्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह के इफेक्ट चाहिए बिना फोटोशॉप के, नहीं तो आपको यही चीज़ आपको फोटोशॉप में करना पड़ेगा, यानी कि जो इस तरह से थोड़ा सा एक्सपोजर, ये कर्व बैलेंस, ये भी आपको इस तरह का थोड़ा सा डार्कनेस और थोड़ा सा एक लाइव इफेक्ट आता है इस कर्व से भी और एक्सपोजर को भी सेट करना। देखो एक्सपोजर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इस तरह की सेटिंग से ही हम लोग का थोड़ा सा और भी लाइवनेस दिखता है, यानी कि और भी रियल दिखता है। तो ये चीज़ हम लोग फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है हम लोग को मिलता है वीरे 3.0 के बाद के वर्जन में, कि उसके अंदर हम लोग इस तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बाकी सब लाइटिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी कुछ लाइटिंग अच्छी हो गई है। अभी एक और थोड़ा सा एक ब्राइट लाइट चाहिए जो हम लोग को एक सन जैसा लाइट क्रिएट करे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर चाहिए डे लाइट। तो डे लाइट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टारगेट डायरेक्ट। हम लोग डे लाइट के लिए हम लोग सनलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सनलाइट से अच्छा है कि हम लोग टारगेट लाइट यूज़ करें। तो टारगेट लाइट के ज़रिए हम लोग, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को ज़्यादा कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टारगेट लाइट में क्योंकि इसके अंदर कलर जैसा हम लोग को चाहिए वैसा हम लोग को मिल जाता है, हम लोग कितना भी मूव करें तो उसके हिसाब से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं तो क्या है कि हम लोग सनलाइट को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो जाके उसके हिसाब से उसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए बेस्ट रहता है कि हम लोग डायरेक्ट लाइट इस जगह पे यूज़ करें। जैसा मुझे कलर चाहिए अपने हिसाब से मैं कलर भी डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया और फिर मैं यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये यहाँ पर तो 1 होना चाहिए। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट जो मेरा पुराना सेटिंग था वो वापस आ गया, तो ओके डन। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 3 रखा हूँ मल्टीप्लायर में, इधर पे जो ये कलर का है, ये कलर क्या है यहाँ पर देख सकते हो, इसका RGB में इसके अंदर रेड में ये है 224 और ग्रीन में है 207 और ब्लू में है 183। ठीक है, वो डाल के आप इस तरह के ये कलर आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, ये कलर को अप्लाई करके बस डन। फिर इसके अंदर एक और चीज़ करना पड़ेगा, जब आप इसको आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको, क्योंकि ये लाइट के बीच में आने वाला है ये प्लेन को आपको उसको करना पड़ेगा एक्सक्लूड। ठीक है, नहीं तो क्या है कि वो प्लेन उसको अंदर लाइट को आने नहीं देगा। तो ये प्लेन का नाम है 1, 2, 3, तो उसको हम लोग प्लेन को हम लोग करेंगे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करने के लिए इधर पर जा सकते हैं एक्सक्लूड ऑप्शन में, यहाँ पर डायरेक्ट लाइट में हम लोग को मिल जाता है, क्लिक करते ही यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको
एक्सप्लोड। देखो 1 2 3 और इसको इधर पे एरो लेके जाके और ओके करते हैं तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये तो हो चुका है। फिर अभी एक और चीज़ मुझे करनी थी, क्योंकि इसका लाइट का भी जो पावर है 3 है और थोड़ा सा मेरे को लाइट पावर और बढ़ाना चाहिए। किसका मुझे बढ़ाना चाहिए, ये प्लेन का। प्लेन का पावर मैं बढ़ा के करता हूँ 25। ठीक है, ताकि बाहर से जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा अंदर आए। फिर हम लोग करते हैं रेंडर करके देखते हैं हम लोग को आउटपुट कैसा आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, देखेंगे कि हम लोग वीरे के सेटिंग से कैसे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आउटपुट आ रहा है और लाइट भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ओके, तो ये मेरा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मेरा जो ये रेंडर है काफ़ी डल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम लोग के रेंडर डल आते हैं। डल आने का प्रॉब्लम क्या होता है कि उन लोग अपने इमेज पे थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन नहीं करते। पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि थोड़ा सा हम लोग करना पड़ता है उसके अंदर, एक्सपोज थोड़ा सा हम लोग करना पड़ता है, वाइट बैलेंस, थोड़ा सा सेचुरेशन, थोड़ा सा कर्व, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप नया वीरे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर होता है शो कलर करेक्शन कंट्रोल, यहाँ पर क्लिक करते ही शो कलर करेक्शन कंट्रोल पे यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊं, यहाँ पर देखो ये होता है शो कलर करेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो के अंदर आपको कलर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कलर करेक्शन करेंगे तब जाके अच्छा आउटपुट है। जैसे कि देखिए, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब ये देखो ये मेरा भी इमेज डल आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कलर करेक्शन करेंगे, यानी कि एक्सपोजर, ये देखिए एक्सपोजर अभी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इधर पे 1 कर दिया गया है, तो वैसे तो 1 नहीं रहता है, तो थोड़ा सा इधर देखो बर्न अमाउंट को देखो कम कर दिया गया है इसको 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सपोजर हल्का फुल्का ज़्यादा किया गया, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए मेरे को ज़्यादा एक्सपोजर की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पर करता हूँ 0.0, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो बाकी कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ाना तो वो कर सकते हैं। तो और भी चीज़ है, यहाँ पर होता है कर्व, तो कर्व के ज़रिए हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। कर्व हम लोग कैसे सेट करेंगे, कर्व को हम लोग सेट करने के लिए देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्लिक करते ही हम लोग को ऐसे ये मिल जाता है, ऐसे कर्व को हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये आपको सेटिंग मिलेगा, नए वर्जन में मिलेगा और पुराने वर्जन में भी आपको मिल जाएगा एक्सपोजर और इस तरह के कर्व की सेटिंग्स। ठीक है, पुराने वीरे में भी आपको मिलेगा कर्व का सेटिंग और नए वाले वीडियो में भी मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने इमेज को थोड़ा एक कलर करेक्शन कर सकते हो। थोड़ा सा सेचुरेशन भी अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से अपना थोड़ा हल्का सा सेचुरेशन भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे सेचुरेशन चाहिए तो सेचुरेशन हल्का सा, यानी कि जो थोड़ा सा जो कलर है थोड़ा डल आ रहा है तो उसे सेचुरेट कर सकते हैं, यानी कि सेचुरेशन को बढ़ाते हो। देखो जितना ज़्यादा बढ़ाओ, देखो बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो गया, यानी बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, तो ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा काफ़ी है। तो इस तरह से हम लोग ऐसा इमेज आउटपुट निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि हम लोग इस तरह की इमेज आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह का रेंडर आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।